हमारे साथ नीति आयोग के एडवाइज़र सुधेंदु सिन्हा हैं। सर, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो क्लाइमेट स्ट्रेटजी गोल है उसको हम कैसे देख रहे हैं और कैसे उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जो है वो COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, उन्होंने बड़ा क्लियरली लेआउट कर दिया कि 2070 तक जो है इंडिया नेट ज़ीरो होगा। और उसके साथ उन्होंने कई चीज़ें और भी बताई कि हमारा जो एनर्जी बास्केट है उसमें कितना परसेंट ग्रेजुअली रिन्यूएबल्स होगा, जो अक्षय ऊर्जा है वो कितना परसेंट होगा, इन चीज़ों की चर्चा की गई। अब उसके लिए जो है MNRE है, उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है, MoEFCC है, सारे मंत्रालय, नीति आयोग, एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेकर के प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी अपने गोल बनाएं, डिफरेंट राज्य भी अपने, अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने टारगेट्स बनाएं, और सब जो है 2070 तक सब कंप्लीट होना है। इसलिए आपको जो है बाकी को इससे पहले ही इन चीज़ों को धीरे धीरे करके अचीव करना पड़ेगा। तो उस दिशा में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और आपने जो नेशनल स्कीम्स की हमने चर्चा की, जो फेम का प्रोग्राम है, जो PLI के स्कीम्स हैं, सब इसी ओर आपको ले जा रहे हैं कि इस एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो एनेबलर्स हैं जिनको हम बोलते हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आपके पास सुलभ हो जाए। एक बार जो वो चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तो ये आसान हो जाएगा इसको करना। एक सामान्य आदमी की समझ के लिए सर, अभी भी आप बातचीत में कह रहे थे स्विगी जोमेटो जैसे डिलीवरी वाली चीज़ें हो गई या 3-व्हीलर हो गया, इनको लेकर एक शॉर्ट टर्म गोल जो हमने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके, वो कब तक काम नहीं किया और क्या किया है उसमें? क्या नहीं, जैसा बताया कि राज्यों को तो हम लोगों ने, राज्य जो हैं वो अपने तरफ से गोल डिफाइन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कर रखा है, गोवा सरकार ने कर रखा है, और कई सरकारों ने कर रखा है। कुछ ने अपने किसी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए कर रखा है, कुछ ने पूरे राज्य के लिए कर रखा है, उस तरह का उन लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने यही किया था कि हम लोगों ने पूछा था इनसे, जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उन्हीं को एनकरेज किया था कि आप खुद ही टारगेट बताइए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। और हम आपको बताएं, 190 इंडस्ट्री पार्टनर्स करीब इसके शून्य कैंपेन के मेंबर्स हैं, और उसमें से जितना आप सोच सकते हैं सब है। अमेजोन की बात की, आईकिया की बात की, आपने स्विगी का बात किया, जोमेटो का बात किया, जितना आप सोच सकते हैं, उबर, ओला, जितना सोच सब है जी। तो इन लोगों को हम लोगों ने इनकरेज किया था कि आप जो है जा करके अपने को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने को चेंज कीजिए, अपना टारगेट बताइए। और आपको हम बताएं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपना टारगेट दिया हो, टारगेट फेल किया हो, सभी लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया। आप कह सकते हैं कि टारगेट रिलैक्स किया जी, हल्का टारगेट दिया, लेकिन अगली बार जब वो टारगेट देते हैं तो पिछले बार से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट टारगेट देते हैं। इसलिए यह कह देना कि वो कुछ नहीं करें गलत होगा। सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स जो हैं वो भी एफर्ट लगा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग अचीव कर सकें। इसलिए हमने कहा था ये टीम का पूरे बात, सब मिल करके ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आने वाले 6 साल में 2030 तक हम क्या प्लान कर रहे हैं सर, किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल्स को लेकर? देखिए, आप 2 वर्ष पहले का माहौल देखिए, जब आप रोड पर चलते होंगे तो आपको मुश्किल से एक आध कोई गाड़ी दिखाई देता होगा। 2-व्हीलर 3-व्हीलर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 4-व्हीलर की, बसेस की भी। उस समय 2 साल पहले कम दिखाई देता था, अब इस वक्त उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लीजिए आप, इस वक्त करीब 1300 के आसपास बसेज आ गई, बहुत बड़ा नंबर है किसी एक शहर के लिए 1300 बस होना, बहुत होना। अगले 2 से 3 वर्षों में ये संख्या 1300 से 6000 तक चली जाएगी। इतना बड़ा लीप रहे एक शहर के लिए, दिल्ली के लिए बसेस में, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अहम चीज़ है। उसी प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि अब आपको गाड़ियां ग्रीन नंबर प्लेट की दिखने लगी। थोड़े समय में आप देखेंगे कि अभी आप ग्रीन नंबर प्लेट खोजते हैं, थोड़े समय के बाद नॉन ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको कुछ कुछ दिखाई देने लगेंगी। ये चेंज होगा 2030 में, आप बता रहे हैं ना जी। 2030 में जब आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा रोड पर गाड़ियां ग्रीन दिखलाई देंगी, ग्रीन नंबर प्लेट वाली दिखलाई देंगी, कुछ ही गाड़ियां होंगी जो नॉन ग्रीन दिखलाई देंगी। ये बिल्कुल पोजीशन चेंज कर जाएगा। और 2-व्हीलर्स में भी आप जो प्रतिशत हम कह रहे हैं, फीसद, कितनी फीसद 2-व्हीलर 3-व्हीलर में कन्वर्ट कर जाएंगे? हमने बताया जो 2-व्हीलर में देखिए 2 स्ट्रीम है। 2-व्हीलर की बात करें तो स्कूटर, एक मोटरसाइकिल है। स्कूटर में तो ऑलरेडी 60% हो चुका, मोटरसाइकिल में रिलेटिवली स्लो है हम जी, लेकिन 2-व्हीलर का और भी ज़्यादा प्रतिशत बढ़ेगा। तो कुल मिला करके ये सोच बन रहा है कि बाय द टाइम हम लोग 2030 तक आते हैं, करीब जो है वो 75% 80% तक ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, टू और थ्री। हाँ, और ये इसलिए क्योंकि हम लोग इस तरह का इंसेंटिव दे रहे हैं, इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग का आ गया, कोई चक्कर ये सब आपका रेंज एंग्जाइटी का कोई ये नहीं है, चीज़ें सस्ती होने लग रही हैं धीरे धीरे,
जो अपफ्रंट प्राइस पहले ज़्यादा देना पड़ता था वो हल्का पड़ा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आया। एक आखिरी सवाल सर, आप कह रहे थे कि अगर आपको डिलीवरी मंगवाना हो तो उसमें ये भी आपको दिखेगा कि आपको फ्यूल वाले देने की बात, किस तरह का वो चॉइस है? वो एक मतलब इंडस्ट्री प्लेयर्स ने ही कहा था कि हम लोग एक चॉइस दे देंगे उनको कि आप ग्रीन से मंगवाना चाहते हैं। उसका कारण ऐसा नहीं है कि वो नहीं कहेंगे तो फिर ग्रीन से सप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो केवल है कि उनको एक अवेयर किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि देखिए आपका जो चीज़ आ रहा है वो ग्रीन से आ रहा है। आपको एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए। आपको आजकल देखते ना, सब छोटे बच्चे दिन भर जो हैं इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, क्लीन ट्रांजिशन की बात करते हैं। रेलवेज वगैरह में तो और भी व्यवस्था है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देखिए, मेट्रो का जो पैट्रनाइजेशन है या रैपिड रेल जो अभी शुरू किया है उसकी बात देख लीजिए, तो पूरा कंप्लीट ट्रांसपोर्ट। आने वाले वक्त में ये चॉइस मिलेगा सर? हाँ, ये चॉइस मिलना चाहिए, मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।